हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम रीडिंग कैंपेन का शीट नंबर 28 को रीड करेंगे। यह है 19 फरवरी 2022 के लिए वर्कशीट है। इस वर्कशीट को 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक के स्टूडेंट कर सकेंगे और उनको यह अपनी कॉपी में करनी है। नेम ऑफ स्टूडेंट, अपना नाम लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे। नेम ऑफ टीचर, अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखेंगे यहाँ पे, जो टीचर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट को टीच कराता है। तो आगे क्या बताया है, हेलो चिल्ड्रंस, लेट्स रीड अनदर स्टोरी। आओ बच्चों, एक अन्य स्टोरी और रीड करते हैं, जिसका टाइटल है ए बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी कि छड़ियों का एक गट्ठा। रीडिंग इंस्ट्रक्शन बिफोर स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट को इसको रीड करने से पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ना होगा और उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपने स्टोरी को रीड करना है। तो कौन कौन से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, लेट्स योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द करेक्टर्स, यानी यहाँ पे जो इस स्टोरी में जो करेक्टर्स हैं उनके डायलॉग्स के अकॉर्डिंग ही आपने अपनी टोन को कम और ज़्यादा करना है, उनके स्टाइल में ही आपने इस स्टोरी को पढ़ना है। डोंट रीड टू फास्ट, आपने इस स्टोरी को ज़्यादा फास्ट नहीं रीड करना। वेरी योर पेस सो यू कैन पुश फॉर एम्फासिस, यानी कि जहाँ आपको लगे कि आपकी गति को कम करना है और ज़्यादा करना है, और जहाँ आपको लगे कि अब इस यहाँ पे हमने बल देना है, अपनी वॉइस को ऊंचा करना है और कभी नीचा करना है, कहाँ पे आपने अपनी गति को रोकना है, उसी हिसाब से आपने इसको रीड करना है। तो आइए अब स्टोरी को रीड करते हैं। फार्मर्स इन ए विलेज नियर रिवर यमुना, यमुना नदी के नज़दीक एक गांव होता है जिसमें कुछ किसान रहते हैं। वर फेसिंग ए प्रॉब्लम विद द क्रॉप इन देयर फील्ड, वो अपने जो खेतों में जो फसल है उस फसल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जिससे वो परेशान है। द क्रॉप वाज गेटिंग पुअर, जो फसल है वो खराब होती जा रही है। दे बिकम वॉरिड, वो बहुत चिंतित थे। एवरी डे दे वुड थिंक ऑफ ए न्यू सोल्यूशन फॉर देयर ओन फील्ड ओनली, वो सभी केवल अपने ही फसल के लिए दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सोल्यूशन सोचते थे। दे डिड नॉट स्पीक टू ईच अदर, वो किसी दूसरे किसान को वो बिल्कुल भी नहीं बताते थे, और कंसल्ट ईच अदर, और किसी भी अदर जो किसान थे उनसे इस समस्या के बारे में कंसल्ट नहीं करते थे, यानी कि बातचीत भी नहीं करते थे। वन ट्राइड पुटिंग अप ए सेक्रेक्रियो इन हीज फील्ड, कुछ ने तो अपने खेतों में एक सेक्रेक्रो लगा दिया। सेक्रेक्रो क्या होता है, एक स्टैचू सा होता है, जैसे आप यहाँ पे अपने लेफ्ट में देख रहे हैं, एक बुद्ध स्टैचू खड़ा है, बुद्ध सा, एक स्टिक के ऊपर। अनदर यूज मैनर, और किसी ने अच्छी क्वालिटी का खाद को यूज किया। द अदर्स स्टार्टेड वॉचिंग देयर फील्ड डे एंड नाइट, और जो अन्य किसान थे उन्होंने दिन रात अपने खेतों की देखभाल करनी शुरू कर दी। देयर वॉज वेरी लिटल इम्प्रूवमेंट, यह बहुत ही थोड़ा सुधार हुआ, यानी कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। सो द विलेज हैड कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ द फार्मर्स, और जो किसानों का जो हेड है, ये गांव का, और जो किस गांव का एक हेड होता है, मुखिया होता है, वह है सभी किसानों की एक मीटिंग बुलाता है। ही गेव देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स, और वो उनको एक बंडल देता है जिसमें बहुत सी स्टिक्स होती हैं। एंड आस्क देम टू ब्रेक, और वो उनको बोलता है कि आप इसको मुझे तोड़ के दिखाओ। दे ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट सक्सीड, उन्होंने काफ़ी ट्राई किया उसको तोड़ने का, लेकिन वो उसको तोड़ नहीं पाए, वो इसमें सफल नहीं हो पाए। द विलेज हैड सेड टुगेदर यू आर स्ट्रोंगर एंड बेटर देन यू डू अलोन, जब आप अकेले होते हैं और जब आप अधिक संख्या में इकट्ठे होते हैं तो आप अकेले व्यक्ति की बजाय अधिक ज़्यादा ताकतवर होंगे, और अकेले व्यक्ति की बजाय अधिक ज़्यादा काम भी करोगे। द फार्मर्स अंडरस्टूड व्हाट द विलेज हैड वाज सेइंग, इस तरह से जो किसान है वो समझ रहे हैं कि जो गांव का जो हेड है, जो मुखिया है, वो क्या कहना चाह रहा है। दे बिकम यूनाइटेड, वे इकट्ठे हो जाते हैं और मिलकर काम करते हैं। एंड
टुक टर्न इन गार्डनिंग द फील्ड, और सभी मिलकर अपने खेतों की गार्डनिंग करने लग जाते हैं। गार्डनिंग मतलब देखभाल करने लग जाते हैं। दे गॉट मैन्योर इन ए लार्ज क्वांटिटी सो दैट द कॉस्ट बिकम लेस फॉर एवरीवन। उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में यानी कि एज ए होल यानी कि एज ए थोक के भाव से बहुत बड़ी मात्रा में खाद को खरीदा जो कि सभी के लिए सस्ता था। दैट ईयर दे हैड ए ग्रेट हार्वेस्ट। यह साल था जो उनके लिए लक्की साबित हुआ यानी कि उनकी जो फसल थी वो बहुत अच्छी हुई। कौन से साल? इस साल जब उन्होंने मेहनत की एक साथ मिलकर और एक साथ जुटकर सभी खेतों की देखभाल की। वंस दे गॉट यूनाइटेड दे अंडरस्टूड इट्स स्ट्रेंथ। अब वो सभी समझ गए थे कि इकट्ठा होने से ही स्ट्रेंथ मिलती है यानी कि सभी इकट्ठे रहेंगे तो हम पावरफुल होंगे। आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो एक स्टिक होती है वो टूट जाती है और जो इकट्ठी होती है वो बिल्कुल नहीं टूटती, वो एक साथ बंधी रहती है। और यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया भी गया है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यहाँ पे हिंट दिया गया है कि भी यूनिटी ही स्ट्रेंथ है, यूनिटी ही हमारी पावर है। अब यहाँ पे हम एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी दी गई है, पहली क्या है, अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड इन द स्टोरी, यानी कि आपने डिफ़िकल्ट वर्ड को स्टोरी में जो दिए गए हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। फाइंड देयर मीनिंग्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, और उनके मीनिंग को आपने लिखना है अपनी कॉपी में, किसकी सहायता से, अपने टीचर की सहायता से। इसमें आप अपने टीचर के अलावा अपने फ्रेंड्स और अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। तो कौन कौन से जो वर्ड डिफ़िकल्ट हैं वो कौन कौन से हैं? पहला क्या है, पुअर जिसका मीनिंग होता है ख़राब, कंसल्ट बातचीत, सेक्रेक्रो स्टैचू यानी कि बुत, मैन्योर खाद, हार्वेस्ट फसल, स्ट्रेंथ ताकत, पेस गति यानी कि स्पीड। अब सेकेंडली क्या है, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन मनीषा ए रिपोर्टर, जो कि मनीषा कौन होती है, एक रिपोर्टर होती है, फार्मर्स एंड विलेज हेड, यानी कि आपने इस कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है, द डायलॉग्स को, उनके डायलॉग्स को कंप्लीट करना है। दैट फॉलो जो नीचे दिए गए हैं किन किन के डायलॉग्स हैं ये, मनीषा एक रिपोर्टर होती है और फार्मर्स होते हैं और हेड विलेज यानी कि गांव का जो मुखिया होता है, उनके बीच में जो कन्वर्सेशन है और जो डायलॉग्स हैं उनको आपने कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले कौन है, मनीषा। मनीषा क्या कहती है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वर यू फेसिंग, यानी कि आप किस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको फेस कर रहे थे। मनीषा यह बात किससे पूछती है, किसानों से, फार्मर से। अब फार्मर क्या कहते हैं इसके बारे में, आवर क्रॉप वॉज गेटिंग पुअर, हमारी फसल ख़राब होती जा रही थी। अब मनीषा पूछती है किसानों से, व्हाट सोल्यूशन डिड यू थिंक, आपने इसका क्या सोल्यूशन निकाला। अब किसान क्या बताते हैं मनीषा को, वन ट्राइड पुटिंग अप ए स्क्रेक्रो इन हीज फील्ड, यानी कि किसी ने तो अपने खेतों में स्क्रेक्रो यानी कि स्टैचू सा लगा दिया। अनोदर यूज मैन्योर, किसी ने खाद डाल दिया। द अदर स्टार्टेड वॉचिंग देयर फील्ड डे एंड नाइट, और किसी ने अपने खेतों की दिन रात देखभाल करनी शुरू कर दी। अब मनीषा और विलेज हेड से बातचीत होती है। अब मनीषा विलेज हेड से क्या पूछती है, व्हाट डू यू इन द मीटिंग ऑफ द फार्मर्स, यानी कि जब आपने किसानों की मीटिंग बुलाई थी तो उसमें आपने क्या किया। अब हेड विलेज कहता है, आई गेव दैम ए बंडल ऑफ स्टिक एंड आस्क दैम टू ब्रेक इट, मैंने उनको एक बंडल दिया स्टिक का और उनको उसे तोड़ने के लिए कहा। अब मनीषा उन किसानों से दोबारा से क्वेश्चन पूछती है, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, यानी कि आपने इस एक्सपेरिमेंट से, इस प्रयोग से क्या सीखा, क्या शिक्षा ली आपने इस एक्सपेरिमेंट से। अब जो फार्मर है वो क्या कहते हैं, वी लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इन द स्टोरी यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि हमने इस स्टोरी में जो एक्सपेरिमेंट किया गया उससे यह सीखा कि यूनिटी ही स्ट्रेंथ है यानी कि एकता ही बल है। तो स्टूडेंट इस तरह से इस स्टोरी से हमने भी कुछ सीखना चाहिए, हमें मिलजुल के रहना चाहिए अपने परिवार वालों के साथ और अपने साथियों के साथ, क्योंकि हम अगर एक होंगे तो हम पावरफुल होंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से आज की जो हमारी वर्कशीट यानी कि रीडिंग कैंपेन है वो कंप्लीट हो चुका है, और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको आपने अपनी कॉपी में उतारना है। और यदि आपने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।
ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस वीडियो को देख सकें।